विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि विभाजन विभीषिका देश की आजादी से एक दिन पहले का दिन है। इस दिन करोड़ों लोगों का नरसंहार हुआ था। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के दौरान विस्थापन का दर्द झेलने वाले लोगों की याद में ये दिन मनाया जाता है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त, ये दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। देश को जिस दिन आजादी मिलनी थी, आजादी के ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को करोड़ों करोड़ लोगों को इस विभाजन विभीषिका का दर्द झेलना पड़ा। अनेक लोग बेघर हो गए, अनेक लोग हमारे देश से चले गए, अपने घर के लोगों से, अपने अपनों से पिछड़ गए। निश्चित रूप से बड़ी त्रासदी और बहुत बड़ा नरसंहार था। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लोग आज इस दिवस का स्मरण कर रहे हैं कि आजादी कितनी कठिनाई से मिली और कितने लोगों को इसके लिए अपना बलिदान देना पड़ा। आज पूरे देश के अंदर विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति दिवस के रूप में आज लोग याद कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे नौजवान, हमारी आने वाली पीढ़ी इस दिवस को हमेशा अपने स्मरण में रखें कि उनको जो आजादी मिली है वो आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली।